नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। बिहार की सियासी महाभारत थमने का नाम नहीं ले रही है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे तेजस्वी ने जवाब देने के बजाय केंद्र सरकार पर ही पलटवार कर दिया है। कहा है कि ये आरोप उस वक्त के हैं जब मैं छोटा बच्चा था। लालू परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और सीबीआई की कार्रवाई को केंद्र की साजिश करार दिया जा रहा है। साथ ही महागठबंधन की मजबूती के दावे भी किए जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार पर आरोप बेमानी है, लालू ने जो बोया वही काट रहे हैं। फिलहाल मामला इतना गर्म है कि इसकी आंच में सचिवालय के बाहर कुछ मीडिया कर्मी भी झुलस गए। तेजस्वी के गार्ड ने एक पत्रकार की जमकर पिटाई कर दी। ये दिखाता है कि बिहार में सियासी पारा उबालने के हालात में पहुंच गया है। प्राइम टाइम में इसी पारे की पड़ताल करेंगे। बिहार की सियासत में महाभारत मची है। जेडीयू अपने स्टंट पर कायम है। आरजेडी केंद्र पर साजिश रचने का आरोप लगा रही है। बीजेपी तमाशा देख रही है और मीडिया की पिटाई हो रही है। आज कुछ यही हुआ जब सचिवालय के बाहर जब तेजस्वी आ रहे थे उस दौरान उनसे सवाल किए गए आरोपों को लेकर कि आपका जो आरोप लगे हैं आप इस्तीफा देंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे ऊपर आरोप झूठे हैं, ये सब केंद्र की साजिश है। इस बीच मीडिया कर्मी और सवालों के जवाब चाह रहे थे, लेकिन यहां पर मीडिया कर्मियों की ही पिटाई कर दी तेजस्वी के सुरक्षा कर्मियों ने। ये देखिए, जब हम बड़े हो गए, जब हमारे पास सत्ता आई, पावर आई, मंत्रालय आया, तब हमने कोई गलत काम नहीं किया। 13-14 साल के उम्र का बच्चा वो राजनीतिक षड्यंत्र करके घोटाला करेगा, गलत काम करेगा। और अब 13-14 2004 का मामला, 14-15 साल उम्र होगी, हम गलत काम करेंगे? जब मेरा मूंछ भी नहीं आया था तो हम गलत काम करेंगे? आज हम उप मुख्यमंत्री बने, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, तब कोई गलत काम नहीं किया? और उस समय ना मेरे पास कोई पद था, हम तो बच्चे थे, मूंछ भी नहीं आया था। आरोप नहीं है, ये षड्यंत्र और साजिश और झूठा और फर्जी आरोप है। हम जनता के बीच जाएंगे। बिहार के जनता ने हमको यहाँ चुन करके भेजा है, उस महान जनता के मैंडेट का हम रिस्पेक्ट करते हैं। अपनी बातों को हम जनता के बीच जाएंगे और बिहार की जनता हमारे साथ खड़ी है। बिहार के नौजवान हमारे साथ खड़े हैं। बीजेपी को आने वाले समय में हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। जेडीयू को कैसे जवाब देंगे? जेडीयू को कैसे जवाब देंगे? और मोदी जी को हम लोग बता देंगे। चार दिन का हम लोग इनको बिहार के लिए बल्कि देश सफाया नहीं कर सकते। और महागठबंधन अटूट रहेगा और चलता रहेगा। और जिसको आप लोग कुछ बीजेपी शासित, जो बीजेपी माइंडेड मीडिया है, जो कई गुंडे जो मीडिया में आ गए हैं, उनको दिन ब दिन जो निराशा हो रही है, मीडिया के लोग गुंडे तो लोकतंत्र पर हमला किया गया। चौथा स्तंभ है मीडिया लोकतंत्र का। कहा गया कि ये साजिश मोदी की है और बार बार हम सुन रहे थे कि तेजस्वी ये कह रहे थे कि मैं छोटा बच्चा था तब ये सब कुछ किया, मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरी मूंछ नहीं आई है। तो क्या छोटे बच्चे अपराध नहीं करते हैं? क्या उनके पास जो संपत्ति आती है उसके लिए वो दोषी नहीं है? वो सब कुछ है। जुबेनाइल कोर्ट जो है ये तय करेगी कि वो बच्चे थे कि नहीं, क्या सजा देगी। बच नहीं सकते तेजस्वी। और मीडिया पर जो हमला किया है वो वाकई निंदनीय है। इस पर बात करते हैं सीधे हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित जुड़ गए हैं। रोहित,
जो बयान दे रहे थे तेजस्वी के कुछ लोग बीजेपी माइंडेड मीडिया वाले हैं, ये सोच बता रही है कि पहले से प्रिपरेशन थी क्या, कि अगर कोई सवाल पूछेगा तो आप मारिएगा उसे, जो आज हमने देखा उन्हीं के बॉडीगार्ड ने ही हाथ उठाया और किसी ने नहीं। देखिए रजनी, सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी ने वही कहा जो उनको कहना था। मीडिया के जो सवाल थे उन सवालों का जवाब तेजस्वी ने नहीं दिया, और जाहिर तौर पर जब तेजस्वी से मीडिया के तीखे सवाल जब मीडिया ने पूछना शुरू किया तो उनके बॉडीगार्ड हाथापाई पे उतर आए। देखिए तेजस्वी लगातार जो उनका जो पूरा बयान जिस तरीके से न्यूज इंडिया ने दिखाया है, लगातार पूरे बयान में तेजस्वी लगातार जब सवाल बीच में पूछे जाने लगे तो तेजस्वी लगातार ये कहते रहे कि नहीं वो अब पहले उनको बोली दिया जाए, और जब उन्होंने अपने मन की बोल ली उसके बाद तेजस्वी जो है वहां से बढ़ने लगे, और जब मीडिया ने सवाल पूछे तो पीछे से जो उनके बॉडीगार्ड थे जो स्पेशल ब्रांच के थे उन लोगों ने बदसलूकी की, हाथापाई की। लेकिन जाहिर तौर पर रजनी देखिए सवाल तो पूछा जाएगा, क्योंकि सवाल एक किसी छोटे भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ नहीं है, सवाल है बिहार के अंदर में 2000 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति को जमा करने की बात को लेकर के। देखिए लगातार जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो दो होटल देने के एवज में जो जमीन ली गई, पहले अलग अलग कंपनियों को वो जमीन ट्रांसफर की गई, सबसे पहले उसको हर्ष कोचर जो कोचर बंधु हैं जिनका सुजाता ग्रुप ऑफ होटल से, उन लोगों ने पहले उस जमीन को खरीदा अपनी कंपनी बनाई, उसके बाद उस कंपनी को प्रेमचंद्र गुप्ता को दिया गया, और बाद में उस कंपनी के जो शेयर थे उसको तेजस्वी राबड़ी और चंदा यादव जो कि लालू यादव की बेटी है उनके नाम पर ट्रांसफर किया गया। बाद में जिन जिन लोगों के नाम पर ये पूरा ट्रांसफर हुआ था, बाद में चंदा यादव को अनियमितता के आधार पर उस पूरी कंपनी से बाहर निकाला गया, और फिर जो शेयर्स थे उसमें राबड़ी देवी और तेजस्वी बराबर के हिस्सेदार बने, और उसके साथ ही जो वो पूरी प्रॉपर्टी थी जो कि लारा LLP प्राइवेट LLP के नाम से ट्रांसफर हो गई। ऐसे में ये तेजस्वी ये कह रहे हैं कि जिस समय का ये मामला है उस समय उनकी उम्र बहुत 14 साल थी, वो नाबालिग थे, लेकिन रजनी सबसे बड़ी बात है कि जिस समय ये पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है वो मामला 2014 से 2016 के बीच का है, और उस वक्त तेजस्वी यादव नाबालिग नहीं थे, ये बड़ी बात है। जाहिर तौर पर सवाल पूछा जाने लगा तो तिलमिला गए, और तेजस्वी के सामने उनके जो बॉडीगार्ड थे जिस तरीके से हाथापाई की कि तेजस्वी यादव ने एक शब्द नहीं कहा कि आखिर जो उनके बॉडीगार्ड इस तरीके से बदसलूकी कर रहे हैं उनको रोकने के लिए वहां पे जो अधिकारी साजिश ये भी थी, ये भी थी, कोई जवाब मांगेगा तो उसका जवाब कैसे देना है। बहरहाल हमारे साथ रोहित, आप थोड़ा रुकिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं इंजीनियर अजय यादव, बीजेपी के नेता हैं, स्वागत है अजय यादव जी। जी बिल्कुल, ये साजिश बीजेपी की है जी, जिस तरह से पत्रकारों के ऊपर हाथ उठाए गए और जिस तरह से पत्रकारों को पीटा गया, सबसे पहले इसकी निंदा करता हूँ। दूसरी चीज, जब ये पकड़े जा रहे हैं तब इस तरह फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की चीजें हो रही हैं, हाथ उठाया जा रहा है, ये याद दिलाता है कि लालू प्रसाद का जो बॉर्डर स्कैम में फंसे थे तो इसी तरह की परिस्थितियां पैदा हुई थी, और ये पत्रकारों और जो लोग भी इनसे मिलने जुलने जाते थे सब लोगों को ये या तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बोलते थे या फिर इसी तरह से बदसलूकी किया करते थे। उसी की पुनरावृत्ति हो रही है, राज्य जो है उसी अराजकता की स्थिति में, चौथा स्तंभ कहे जाने वाले इस मीडिया के ऊपर इस तरह से बदसलूकी की जा रही है, और वो भी मुख्यमंत्री जी अंदर बैठे हुए हैं, खत्म होते ही जब सवालों, पत्रकारों का तो काम ही है सवाल पूछना, और सवाल पूछने पर इस तरह से हाथापाई, मैं ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये पत्रकारों के ऊपर हमला नहीं है, ये लोकतंत्र के ऊपर हमला है। तो अजय जी सीधे ये बार बार ये सोच बन गई है RJD के, पहले उनके पिताजी कहते हैं, आप तेजस्वी की भी आपने बयान सुना होगा, वो कह रहे थे कि ये जो मीडिया भी है ना ये बीजेपी के इशारे पे चल रही है। ये देखिए, चोर लफंगों की का पूरा परिवार है, यह परिवार इसी तरह की बात हमेशा से करता रहा है, और इस तरह की बातों से पूरे बिहार, खास करके देखिए जिस तरह से जब ये कहते हैं तो इस तरह की बात क्यों करते हैं, पहले तो बहुत फ्रेंडली रहते हैं, ये मीडिया फ्रेंडली रहते हैं, जैसे जब मतलब मीठा तो गप गप और तीता तो थू थू,
मतलब पत्रकार जब अच्छे सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब पूरा हंस मुस्कुरा की ये पूरा परिवार देता है, और जब मीडिया इनके करप्शन इनके जो चार्जेज लगे हैं, आप रोहित जी ने पूरी चीजों को अभी आपके सामने रखा और एक एक चीज उन्होंने खोल करके कि चंदा यादव को कब उस प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया गया और तेजस्वी और तेज प्रताप को सारी प्रॉपर्टी कैसे आ गई, ये काफी देखिए इन चीजों को बिहार के लोग खास करके पत्रकारों ने काफी अध्ययन किया है। सुशील जी एक माध्यम है मिट्टी घोटाले से लेकर के, जब मिट्टी घोटाले की जांच परत दर परत खुली तो आज हजारों करोड़ का मामला है। मेरा तो मानना है कि यह 10% अभी तक लालू प्रसाद जी की प्रॉपर्टी पकड़ी गई है, 90% सैकड़ों एकड़ जमीन पटना शहर के आसपास इन्होंने परचेज किया है। तो इसमें बीजेपी का हाथ है क्या? ये बार बार तेजस्वी कह रहे हैं ये मोदी की साजिश है, मोदी तो एक बिहार में भी है और केंद्र में भी है। देखिए सुशील जी ने सिर्फ इतना किया है कि जो प्रॉपर्टी इनकी थी उसको उजागर किया है, क्योंकि चीजों की जानकारी राज्य की जनता को नहीं था, खास करके जिस समुदाय के लोगों का नेतृत्व करते हैं लालू प्रसाद जी और उनका परिवार, उस वह समुदाय बिल्कुल अचंभित है कि जो सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय का नारा देने वाला व्यक्ति, जो घोंघा सितुआ चुनने वाले पढ़ना लिखना सीखो कहने वाला आदमी आज हजारों करोड़ का मालिक हो गया है, और यह पूरा पैसा उन्होंने अपने परिवार के नाम पर ही किया है। वो समाज उससे समाज का कोई लेना देना नहीं है। इस परिवार को निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई जो भी काम कर रही है वह बिल्कुल न्याय संगत कर रही है, और सीबीआई के साथ साथ जितने भी ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इनकम टैक्स है, इन सबों को लग करके इस परिवार के नाम से जितनी भी बेनामी संपत्ति है या ऐसे अधिक संपत्ति है इसको जब्त करना चाहिए, इस पूरे परिवार को जेल भेजना चाहिए, यह मेरा मानना है रजनी जी। बिल्कुल। अब हमारे साथ रोहित, अब सवाल ये, मीडिया सच्चाई दिखाता है, सच्चाई सबको कड़वी लगती है, जब कुछ कहना होता है तो मीडिया को बुलाया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, और जब मीडिया जानना चाहता है, देश जानना चाहता है तो उल्टे पलटवार किया। ये बताइए इस पूरे मामले को लेकर कोई खबर कि माफी मांगेंगे या कोई कार्रवाई करेंगे, नीतीश जी कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, तेजस्वी पर तो भरोसा ही नहीं है। देखिए बिल्कुल कोई इस मामले में अब जो डिप्टी सीएम है उनके तरफ से किसी प्रकार का बयान नहीं आया है, आरजेडी ने भी कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि बीजेपी समेत तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उसने इस हमले की निंदा की है और कार्रवाई की मांग नीतीश कुमार से सुशील मोदी ने भी किया है, नित्यानंद राय ने और नंदकिशोर यादव ने भी किया है। देखिए बड़ी बात यह है रजनी की मीडिया वो दिखाए जो आप देखना चाहते हैं, यानी कि अगर उनके हित की खबर है तो मीडिया दिखाए तो मीडिया बहुत अच्छी है, अगर मीडिया ये दिखाए कि जिसमें उनको नुकसान हो रहा है तो मीडिया में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह के तेजस्वी का बयान है आज की मीडिया में गुंडे जैसे लोग आ गए हैं। अब देखिए कि क्योंकि तिलमिलाहट इस बात की है क्योंकि सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल इस बात को लेकर के हैं क्योंकि आरोप गंभीर लगे हैं। जाहिर तौर पर रोहित वाकई सवाल कई है और सवालों के जवाब जब तेजस्वी ने दिए तो एक एक करके केंद्र पर भी निशाना साध दिया। आप हमारे साथ बने रहिए, दोनों लोग बने रहिए हमारे साथ। बहरहाल सवाल जब तेजस्वी से किया गया इस्तीफे को लेकर तो उन्होंने जवाब देने शुरू कर दिए कि ये केंद्र की साजिश है, मैं छोटा बच्चा था, और उसके बाद इतनी हालात बिगड़ गए कि मीडिया पर ही हमला कर दिया। देखिए इस रिपोर्ट में बिहार में सियासी पारा इस कदर गर्म हो गया है कि उसकी झोंक में मीडिया भी झुलस गया। सचिवालय से निकले तेजस्वी से उनका स्टैंड जानने के लिए मीडिया कर्मी टूट पड़े, खुन्नस खाए तेजस्वी के गार्ड गुंडागर्दी पे उतरे और एक मीडिया कर्मी की धुनाई कर दी। इस बीच कुछ मीडिया कर्मियों को चोटें भी आई। इस तमाम उठापटक के बीच तेजस्वी ने आरोपों पर सफाई देने के बजाय केंद्र सरकार पर ही साजिश रचने के आरोप मढ़ दिए। 13-14-2004 का मामला, 14-15 साल उम्र होगी, हम गलत काम करेंगे, जब मेरा मूंछ भी नहीं आया था तो हम गलत काम करेंगे। आज हम उप मुख्यमंत्री बने, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, तब कोई गलत काम नहीं किया, और उस समय ना मेरे पास कोई पद था, हम तो बच्चे थे, मूंछ भी नहीं आया था। आरोप नहीं है, ये षड्यंत्र और साजिश और झूठा और फर्जी आरोप है। तेजस्वी ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके सफाई दी
और हमलावर रुख अख्तियार कर लिया। इतना ही नहीं, सरकार के मंत्री और नेता भी महागठबंधन की एकता की दुहाई देते रहे और केंद्र सरकार पर हमले करते रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का एक मुहिम चल रहा है कि इस गठबंधन की सरकार को गिराया जाए। भारतीय जनता पार्टी का यह एक मुहिम चल रहा है कि बिहार की सरकार को अस्थिर किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता नीतीश कुमार से कोई शिकायत नहीं है आपको? क्यों शिकायत रहेगी, हमारे मुख्यमंत्री है, गठबंधन में है हम लोग, और जितना ये लोग कुचक रचेंगे ये गठबंधन उतना ही मजबूत होगा। स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करे तो CBI जांच करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहे तो जांच करे, ई केकरा कहने से जांच किए हैं, कहां से पटीशन आया, कौन दिया, ये जड़ फुनगी हम लोग तलाश रहे हैं ना उसका। नहीं रघुवंश भाई, जिस समय में मामला हुआ उस समय में सवाल ये है, लड़का थे आओ मामला कर दिया उन पर, जे कौन चीज का 120 बताइए, लड़का आदमी का कौन मामला है? नहीं नहीं रघुवंश भाई, जाली मामला है, इसको जनता में हम लोग पर्दाफाश करके 27 अगस्त तक गर्दा उड़ा। उधर पूरे मामले पर बीजेपी तमाशा देखने का काम कर रही है। केंद्र सरकार पर लगे आरोपों को बीजेपी ने खारिज कर दिया और जमकर लालू फैमिली पर पलटवार किया। कहीं न कहीं केंद्र पर जो आरोप है तो क्या क्यों करेंगे, वह खुद उसके लिए खुद जिम्मेवार है। कौन कहा था कि गरीबों का धन, पशुपालकों का और मेहनत कश इंसानों का धन आप लूट लीजिए, अवैध संपत्ति आप अर्जित कर लीजिए, बेनामी संपत्ति अर्जित कर लीजिए, अगर इतने बड़े अगर वह भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होते तो क्यों CBI या कानूनी IG उनके पास जाता, इसके लिए तो खुद वह जिम्मेवार है। इस समय कोई समय देने की जरूरत नहीं थी, सीधा बर्खास्त की जरूरत थी। जाकर जैसे पूर्व के दिनों में देखा गया है, NDA का शासन जब था, जब नीतीश कुमार जी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे और माननीय जीतनराम मांझी जी पूर्व जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, अगर तो उनके कार्यकाल में भी, अपने कार्यकाल में जब मंत्री हुआ करते थे उनसे भी लिया था इन्होंने जाकर, और तुरंत लिया था, समय दिया ही नहीं जाकर। और दूसरा फिर क्या है कि हमारे भाजपा के रामाधार बाबू और कई लोग का मामला आया था, तो ऐसे मामलों में नीतीश कुमार ने तुरंत कार्रवाई किया था। लेकिन फिर पहली बात देखकर समय देने की बात जाकर हमको बात समझ में नहीं आ रहा, जाकर सीधे एक लाइन में है बर्खास्त की होनी चाहिए जाकर। वहीं JDU भी अपने स्टैंड पर अब तक कायम है। JDU ने लालू परिवार को अल्टीमेटम देकर हौसला तो दिखाया, लेकिन इससे ज्यादा कहीं कुछ कर पाने में पार्टी फिलहाल नाकाम ही नजर आ रही है। न्यायालय में राजनीतिक जो प्रक्रिया है उसके तहत आप जवाब देंगे, जनता की अदालत में, जनता की अदालत में पब्लिक परसेप्शन इम्पोर्टेंट होता है, और उसके लिए बिंदुवार अगर मुझ पर कोई गलत आरोप लगा देगा तो हम उसका मुंहतोड़ करारा जवाब देंगे। तो हम यह उम्मीद करते हैं कि हमारी भावना का ख्याल रखेंगे और हमारी पार्टी जनता दल यू जिस बात के लिए जानी जाती है, अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस का, हम उम्मीद करते हैं कि वह निश्चित रूप से उस पर कायम रहेंगे। बहरहाल भ्रष्टाचार के मामले को केंद्र सरकार की साजिश करार देकर 27 अगस्त की रैली में जवाब देने की बातें की जा रही है। कुल मिलाकर मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिशें तेज कर दी गई है। पटना से रोहित और अमित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो तेजस्वी ही नहीं, तेजस्वी के जो सुर हैं उनके पिता भी वही कहते रहे हैं कि केंद्र की साजिश है, और जो RJD के नेता हैं वो भी बार बार यही कह रहे हैं कि अस्थिरता लाना चाहती है, ये सब साजिश के तहत हो रहा है। BJP की तरफ से अजय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अजय जी, सिर्फ और सिर्फ साजिश बताया जा रहा है, CBI के छापे हो, ED की पूछताछ हो या बेनामी संपत्ति का मामला, कि आप लोग अस्थिरता चाहते हैं, आप लोग गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं। बिहार की जनता से कि क्या नीतीश कुमार इतने नासमझ रहती है, इनको चलिए अजय जी से भी बात करेंगे, अब रोहित के पास चलते हैं। रोहित,
अब इस पूरे मामले में जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि अगर गलती की है आपके सुरक्षा कर्मियों ने तो आपका दायित्व बनता है माफी मांगिए, सफाई दीजिए, सामने आइए, या एक बार फिर से चुपचाप बैठ जाएंगे क्या? देखिए, चुपचाप बैठ गए रजनी, जिस समय ये पूरा वाक्या पेश हो रहा आ रहा था पुराना सचिवालय के सीढ़ियों पर, जब तेजस्वी को रोका गया सवाल के लिए और जब तेजस्वी ने अपना जो जवाब था वो देने के बाद जब वो आगे बढ़ने लगे, वहां ये विवाद शुरू हुआ। जो मीडियाकर्मी, जो कैमरामैन थे क्षेत्रीय चैनल के, वो और साथ में ANI के जो पत्रकार थे, वो तमाम लोग वहां पर सवाल पूछ रहे थे, तमाम चैनलों के लोग वहां पर थे, और उसके बाद अचानक से पीछे उनको खींचा गया। जब खींचा गया तब मीडिया के लोगों ने, क्योंकि इस तरीके से उनको, अब तस्वीरें भी साफ दिखा रही हैं कि इस तरीके से, एक तरीके से घसीटा गया उन लोगों को, जब इस तरीके से जो गुंडई पर उतर आए सुरक्षा में लगे जवान, उसके बाद मीडिया ने भी जवाबी हमला बोला। लेकिन तेजस्वी वहीं पर मौजूद थे, साथ में तेज प्रताप भी थे, बिहार सरकार के कई मंत्री वहां पर थे, लेकिन किसी ने भी इस मामले पर किसी को भी रोकने की कोशिश नहीं की। जाहिर तौर पर मीडिया और जो वहां पर स्थानीय सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, जो कि गोरखा बटालियन के हैं, जो कि अमूमन सचिवालय की सुरक्षा में लगे रहते हैं, उन तमाम लोगों के अधिकारी वहां पर, जो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर पहुंचे, उसके बाद दोनों को जो है लोगों को अलग किया गया। तेजस्वी ने कुछ भी नहीं कहा, तेजस्वी ने आज सिर्फ और सिर्फ वही कहा जो उनको कहना था। जाहिर तौर पर देखिए, सवाल जो है उन सवालों का जवाब घुमाकर दिया जा रहा है। तेजस्वी ने यह कह दिया कि वो जिस समय ये पूरी घटना हुई है, जिस समय के भ्रष्टाचार के आरोप है, उस समय वो नाबालिग थे, 14 साल की उम्र के थे। एक पल के लिए इसको सच मान भी लिया जाए तो क्या तेजस्वी ये कहना चाहते हैं कि लालू यादव ने अपने बेटों के लिए संपत्तियां अर्जित कराई और बाद में उनको अपने बेटे के नाम पर ट्रांसफर कर दिया, यानी कि पिता के किए की सजा बेटे को मिल रही है, ये कहना चाह रहे थे? या इस पूरे मामले में जो संपत्ति है उसके पीछे जो साजिश की बात कर रहे हैं, तो तेजस्वी या लालू यादव या फिर RJD क्यों सही से जवाब नहीं दे पा रही है? जिस संपत्ति को लेकर के आरोप हैं, क्यों हर्ष कोचर ने पहले अपनी कंपनी बना करके सुजाता और खुद उसमें पार्टनरशिप पे रहे, शेयर्स रखे, बाद में प्रेमचंद्र गुप्ता को दिया, और बाद में प्रेमचंद्र गुप्ता ने संपत्ति को किस आधार पर और किस चीज की वजह से इन संपत्तियों को सौंप दिया राबड़ी और तेजस्वी को, ये बड़ा सवाल है। देखिए, और जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो तेजस्वी बात घुमा रहे हैं, कह रहे हैं कि जनता के बीच में जाएंगे, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए नीतीश कुमार का जो पुराना इतिहास रहा है, खास करके 2005 से लेकर के 2011 के बीच में रजनी, जी 5 मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए, वही बात खल रही है, 5 मंत्रियों का आप इस्तीफा ले लेते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, और लालू के लाल को क्यों बख्श रहे हैं? 4 दिन का अल्टीमेटम, ऊपर से मीडिया से बदसलूकी तेजस्वी कर। आप बने रहिए, इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजय कुमार जी, स्वागत है। सवाल वही जो हर कोई जानना चाहते हैं, एक तरफ कहा जा रहा है मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इस्तीफा 4 दिन का वक्त है, तीसरी तरफ BJP कह रही है कि बर्खास्त कर दीजिए, और चौथी बात यह कि मीडिया पर अब हमला हो रहा है, ये क्या हो रहा है बिहार की राजनीति में? देखिए, यहाँ पर 2 स्थितियां हैं। एक स्थिति तो ये है कि नीतीश कुमार के सामने अपनी छवि बचाने का संकट है और गठबंधन बचाने का संकट है। दोनों के बीच में नीतीश कुमार जी अपने को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। कल तो बड़ा अच्छा सवाल पूछा था ये विजेंद्र यादव ने, उन्होंने कहा कि भाई आप चाहते क्या है, आप गठबंधन के साथ सरकार चलाना चाहते हैं या आप भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाना चाहते हैं? जो आप चाहते हैं पहले इसको तो स्पष्ट कर लीजिए। तो वहां पर चीजें कुछ स्पष्ट आ नहीं रही है, वो साफ साफ बोल नहीं पा रहे हैं, और स्थिति बनती है, विपक्ष तो हमलावर होता है, जब इस तरह की स्थितियां बनती है तो विपक्ष तो हमलावर होता है, अपने तरीके से वो हमला करती है सरकार पर, विपक्ष का ये दायित्व भी बनता है। लेकिन ये तो तय करना होगा नीतीश कुमार जी को कि भाई आप गठबंधन धर्म का निर्वहन करते हुए आप सरकार को चलाना बचाना जो कह लीजिए करना चाहते हैं, या एक आपकी छवि है कि आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, आप कहते हैं कि किसी भी कीमत पर हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किन्हीं पर अगर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है और वो हमारे मंत्रिमंडल में रहे, तो निर्णय तो उनको लेना होगा। राजद का स्टैंड बड़ा कसाफ है, वो स्टैंड लगातार लगातार जो बैठकें चल रही है उसमें राजद के स्टैंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनके बड़े नेता हों छोटे नेता हों, सब लोगों ने कहा कि हमको इसमें साजिशन फंसाया जा रहा है, इससे मेरा इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं होगा। ये तो तय करना है नीतीश कुमार को कि ये इस्तीफा लेंगे
या तय करना है कि से ये छवि अपनी बचाएंगे या ये तय करेंगे कि मिस्टर क्लीन बने रहेंगे या तय करेंगे कि हम गठबंधन धर्म का, क्योंकि एक आई थी बात कल, उन्होंने उनके प्रवक्ताओं ने कहा कि गठबंधन धर्म के पालन में जदयू कभी भी आगे बढ़कर के बाधक नहीं बनेगी। तो अगर गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं तो फिर इस तरह की बातें जो आ रही है इसका कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बातें कि विपक्ष क्या कह रही है इसका कोई बहुत मतलब नहीं हो जाता। एक तीसरी बात ने आपने कही मीडिया पर हमले की, हाँ जी, हाँ जी। तो मीडिया पर हमला लोकतंत्र के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। हमला चाहे जिनके द्वारा किया गया हो, ये कहीं से भी, भाई ये तो मीडिया तो साथ साथ चलती है, सवाल तो पूछेंगे आपसे, जवाब आपके जो हो, नीतियां जो हो, सिद्धांत आपके जो हो, कार्यशैली जो हो, लेकिन आप मीडिया को सवाल पूछने से नहीं रोक सकते हैं। आप एक बार हमला कर लीजिए, 50 बार हमला कर लीजिए, मीडिया तो अपने दायित्व का निर्वहन करेगा, सवाल तो पूछेगा। और सवाल पूछने में थोड़ी संजीदगी जो लोकतंत्र के प्रहरी जो अपने को कहते हैं उनको भी बरतनी चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि सवाल पूछने वाले से आप इतने आक्रोशित हो जाएं कि मीडिया पर हमले होने लगे। तो मैं इसको बहुत सकारात्मक लोकतंत्र का मैं समय नहीं देख रहा हूं। मैं इसको मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं से अगर इरिटेशन इस लेवल पर आ रहा है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से आप सवालों से बचना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, इसलिए मैं उसको उस रूप में नहीं देखता हूं। ठीक है, अब ये बताइए, आप राजनीति, राजनेताओं, लालू, नीतीश सबको बहुत अच्छे से जानते हैं, ये 3 दिन बड़े अहम है, ये क्या गठबंधन टूटने वाला है या फिर जो कह रहे हैं नहीं गठबंधन नहीं टूटेगा नहीं टूटेगा, ये कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, ये गठबंधन टूटेगा या गठबंधन नहीं टूटेगा इसका कयास, इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है। लेकिन जो चीजें हैं, जिस समय ये लालू यादव के साथ सरकार बनाए बिहार में, जिस समय ये उनके साथ जाकर के चुनाव लड़े, क्या इनको पता नहीं था? क्या अखबारों में भी चीजें आई थी? लालू यादव के पहले भी तो आरोप थे और उस आरोप के बाद भी आप उनसे चुनाव लड़ने गए, आज आपका धर्म और आपकी नीति और आपके सिद्धांत इतना क्यों याद आने लगे? नहीं, ऐसा तो नहीं था संजय साहब के भाई लालू पर लगे हुए हैं, अब ये लालू के लाल का मामला है और जो कैबिनेट में मंत्री हैं उनका मामला है, इसीलिए अब मुश्किलों में पड़ गए हैं। नहीं, देखिए पार्टियां अलग अलग हैं और अगर आप देख रही होंगी अगर बहुत नजदीक से, तो राष्ट्रीय जनता दल क्या सवाल कर रही है? कह रही है कि क्या इस देश के सारे नेता जो हैं चाहे जिस पार्टी में है, क्या सारे दाग से धुले हुए हैं? अगर उन पर कोई दाग नहीं है तो ठीक है, हम उस घेरे में आते हैं। लेकिन अगर सारे दागदार लोग कहीं ना कहीं से सत्ता में बने हुए हैं, मंत्री पद का भोग कर रहे हैं, तो हमसे इतनी चिड़ क्यों है भाई कि अगर हमारे ऊपर अगर कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है तो आप हमसे इस्तीफा की बात क्यों करते हैं? उनके जो तर्क हैं वो अपने तर्क हैं और उनके बड़े छोटे सारे नेता बार बार आके कहते हैं कि इस्तीफा का कोई सवाल नहीं उठता है। शिवानंद तिवारी जी का बयान आया, उन्होंने बड़ा बेबाकी से कहा कि भाई कोई अगर अपने को कहता है कि मैं हरिश्चंद्र हूं तो ये उनकी समझ है, मैं तो राजनीति करता हूं, अपने तरीके से मैं राजनीति करूंगा और मैं इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। हमारे पार्टी के लोग किसी भी कीमत पर वो डिप्टी सीएम से इस्तीफा की बात ही नहीं कहूँ तो सीधे झिड़क दे रहे हैं कि इस्तीफा की कोई बात ही नहीं। अच्छा, तो मैं कहता हूँ संजय साहब ये बताइए, ये वही नीतीश है जिन्होंने 4-4, 5-5 मंत्रियों का इस्तीफा लिया था, अब इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? कि लालू के लाल है इसीलिए और पूरी आरजेडी इसीलिए लगी हुई है कि भाई ये लालू के लाल है, अगर कोई और होता है ये आरोप लगते तो जाहिर सी बात है कि बहुत आसानी से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया जाता या ले लिया जाता। देखिए, एक चीज मैं बड़ा बेबाकी से आपको समझा दूं, राजनीति में नैतिकता जैसी कोई चीज नहीं होती है, कोई नैतिकता जैसी चीज नहीं होती है, किसी के लिए भी नहीं होती है। यहाँ पर मामला फंसा हुआ है, जैसे कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ आरजेडी के साथ खड़ा है, जी, अगर आंकड़ों की गणित को आप देखेंगी तो उनके पास 10-15 विधायकों की जरूरत है और वो 10-15 विधायक 16 विधायक वो कहीं से वो इंजाम करने की स्थिति में है, तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। नीतीश कुमार को लग रहा है कि ऐसा न कि नैतिकता के फेर में सत्ता भी हाथ से खिसक जाए, इसीलिए वो थोड़ा सा कभी दबाव भी बना रहे हैं ताकि जनता के बीच में भी हम मिस्टर क्लीन बने रहें और सत्ता और सरकार के साथ भी हम रहें। अगर आप इतने ही बड़े नीतिवान थे तो एक बार में कह देते कि मैंने पहले भी निर्णय लिया है, मंत्रियों को हटाया है, मैं इस पर जीरो टॉलरेंस, कोई समझौता नहीं करूंगा। ये कौन सी बात कर रहे हैं कि आप पब्लिक डोमेन में जाइए? वही बात है, नीतीश छवि भी बचाना चाहते हैं, सरकार भी बचाना चाहते हैं और चुप भी रहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय साहब आपका बातचीत करने के लिए।
और रोहित आपका भी शुक्रिया और इंजीनियर अजय यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बार बार तेजस्वी ये कह रहे हैं कि ये साजिश है मोदी की, मैं बच्चा था, लेकिन सवाल ये भी है कि बच्चे अगर आप हैं तो जुबेनाइल कोर्ट है ये डिसाइड करने के लिए कि आप बच्चे थे कि नहीं, और अगर आप बच्चे थे तो उसके लिए भी आपको सजा मिलेगी, आपको जेल तब भी जाना पड़ेगा, बच नहीं सकते हैं आप किसी भी तरीके का बयान देकर और ना ही मीडिया को मारकर आप ये साबित कर सकते हैं कि आप पाक साफ। अब हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।